भाई साहब आनंद भाई के ना दोनों बंधा गोभी को खरीद लेते हैं, दोनों झोले बंधा गोभी आज एक महीने बाद खरीदे हैं और देखते हैं कि बंधा गोभी जो है लोकल मार्केट में कितने बिकते हैं और बेचने के बाद कितना अपन प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। ये बंधा वाले लोकल बंधा, और ये देख सकते हो मेरा गल्ला, देखो खूब सारे पैसे भरे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? वापस से सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो भाई साहब अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं नहा धो के नाश्ता करके रेडी वापस से मार्केट जाने के लिए। और गाइस आज है वेडनेसडे, मतलब नंगोई गांव के मार्केट जाना है अपने को। और अभी देखो सुबह सुबह गणपत भी आया। गुड मॉर्निंग, चले मार्केट, मेरा गाड़ी भी देख सकते हैं रेडी भाई कैरेट के साथ में। चलो आगे मिलते हैं आप लोग से। फाइनली पहुंच चुके मंडी पे और सबसे पहले ना जो ये कैरेट्स है इनको जमा करना है, तो पहले जो है यहाँ पास जमा करना है, देखो सामने भैया लोग के पास, तो चलो जमा कर दें। वहाँ कैरेट और पैसा जमा कर दिया मैं और अभी जा रहा हूँ किसान मार्केट, यहाँ शुरू होता है मार्केट, मेन मार्केट। ये देखो काफी भीड़ है भाई अभी, और इधर देख सकते हो गणपत भैया, आनंद भैया दोनों है साथ में। क्या लाया आनंद भाई? पत्ता गोभी कितना रुपए दे रहे हो भैया? सस्ता जो भी मन हो दे देना यार। अरे यार ऐसा बोल देता है यार आनंद भाई, जो मन हो वो दे देना करके, क्या बताए। कोई नहीं मांग रहा है क्या भैया? कोई नहीं मांग रहा है यार। ओहो, एक रुपए में भी नहीं मांग रहे हैं? वैसे बैठे हैं भाई, कोई नहीं मांग रहा है। ओहो भारी तकलीफ है भाई किसानों को और पत्ता गोभी वालों के ना, तो स्पेशली हालत खराब है, पत्ता गोभी बिक ही नहीं रहा है ना लोकल मार्केट में ना यहाँ होलसेल मार्केट में। तो क्या करना चाहिए यार, मैं तो लगभग एक महीना हो गया भाई पत्ता गोभी खरीदा नहीं हूँ। ट्राई कर लो यार, जो अनुमान में होते क्या बोलती पब्लिक, खरीद लेना चाहिए यार। क्या बोलते हो गणपत भैया? ले लो ना यार। ले लूँ क्या? चलो ठीक है आनंद भाई, आप एक काम करो, ये दोनों झोला मेरे को दे दो, पत्ता गोभी जो है भाई साहब आनंद भाई के ना दोनों पत्ता गोभी को खरीद लेते हैं दोनों झोले को। कितना पीस है भाई एक झोले में? गिनती करना पड़ेगा भैया, वही 65 पीस के आसपास होगा। 65 अच्छा, दोनों मिला के ना ठीक है, दोनों को दे दो और इसका पैसा ना जो रेट मार्केट बिके के हिसाब से ले लेना। और रेट के लिए आप मेरा ब्लॉग देख लेना, क्या रेट सेल करता हूँ पता चल जाएगा ठीक है। तो चलो भाई बंधा गोभी आज एक महीने बाद खरीदा है और देखते हैं कि बंधा गोभी जो है लोकल मार्केट में कितने में बिकते हैं और बेचने के बाद कितना अपन प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं भाई साहब के लिए, मतलब इनका मूलधन जो बना पाते हैं कि नहीं भाई। ठीक है आनंद भैया, चलो चलो लेके चले पत्ता गोभी को। तो भाई साहब फाइनली अभी पत्ता गोभी को लेके जा रहे हैं, ये तो खतरनाक वजन है यार। आनंद भैया कितना के जी होगा? ला तो रखो, तो ये आ रहा है भाई साहब 49 किलो 600 ग्राम है, काफी वजन है यार, मतलब दोनों झोले में 50-50 2 रुपए किलो में 100 रुपए का बन जाएगा यार मिनिमम, ये जो है काफी वजन लग रहा है यार एकदम से भयानक वजन, हाथ दर्द कर गया मेरा। आनंद भैया के पास पत्ता गोभी खरीदे है ना, वो यहीं बिक गया यार। देखो कितना पीस लेने देना है भैया? 20 पत्ता गोभी देने इनको, मैं दे रहा हूँ भाई 4 रुपए पर पीस के हिसाब से। एक झोला को मैं लेके वहाँ पास रख लिया हूँ, अभी दूसरा झोला है इसको ले जाने आए थे, तब कस्टमर आ गए तो मैं सोचा यही दे देते भाई 20 इन लोग का भी भला हो जाएगा भैया लोग का। बेचने के लिए कि घर के लिए भैया? शादी होते लड़का? अरे गजब यार, मैं चौथे वाले मतलब खराब पत्ता गोभी देते हैं इनको, पत्ता गोभी देते हैं। मेरे तरफ खिला देना है चौथे वालों को, ठीक चलो लाओ पैसा दो भाई 80 रुपए हो इसे, 80 रुपए का बिक्री हो गया भाई साहब, मजा आ गया, यही तुरंत बिक गया ना अपना खरीदने के बाद। अब पता नहीं आनंद भैया को कितना रुपए देना पड़ेगा उसमें से, 200 रुपए का नोट ठीक है सर, वापस देना है नहीं देना भाई। दे देते हैं भाई, वापस दे देते हैं सर, नहीं देना है किधर? नहीं 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 देना मत भैया, दे दो मैं है। ये 120 रुपए भाई साहब ठीक है सर, चलो भाई सब लेके चलते हैं बंधा का, कितना पीस बचा है। तो भाई साहब दोनों बंधा आ गया और दो झोला था यार मस्त, आधा झोला बंधा खत्म, डेढ़ झोला के आसपास बचा है, अब देखते हैं मार्केट में कितना बिकता है। 4 रुपए में तो यही बिक गया भाई साहब,
अभी भाई साहब चलो सामने देखो आलू आया हुआ है भाई कमीशन में। ये देखो रेड वाला आलू, देखो क्वालिटी दिखा रहा हूँ, काफी गजब क्वालिटी दे रहे। क्या रेट है छोटे आलू? 11 रुपए आलू, 11 भाई आलू 11। 100 दे दो मेरे को, मस्त वाला देना छोटे। भाई सब आलू ले लिया है एक बोरी, ये देख सकते हो 50 केजी है। तो गाइस आलू लेने के बाद, वहाँ रखने के बाद मैं अभी आया हूँ टमाटर लेने। ये देख सकते हो भाई टमाटर का बोली हो रहा है। देखो टमाटर क्वालिटी देखो सर, काफी मस्त क्वालिटी है भाई टमाटर का, बहुत भीड़ लगा हुआ है। ले लिए क्या छोटू भैया? नहीं मिली टमाटर, मिला नहीं भाई। 200 रुपए कह रहे, 220-230 कटा। और ये देखो किसान मार्केट इधर पूरा खाली हो गया यार, इधर भी सब्जी नहीं है। तो भाई साहब अभी बज रहे सुबह के 11 और सामान आज मंडी पे नहीं मिल पाया भाई, बहुत ज्यादा महंगा था ना इसलिए नहीं ले पाया मैं। और टमाटर भी आज तक 250 रुपए कैरेट करता है हाईएस्ट टमाटर, और बाकी सब्जियां भी पूरा बिक गया था तो सिर्फ बंधा लिया। ये देखो 2 झोले पे बंधा, और ये आलू और फिर धनिया मिर्ची अदरक, सिर्फ 4-5 आइटम है। तो चलो फिलहाल लेके चलते भाई, अब घर निकलते हैं और देखते हैं कि आलू बंधा क्या प्रॉफिट देता है अपने को। भाई साहब, भाई साहब फाइनली घर पहुंच गया, और ये देखो ये है अपना सामान जिसको रख लिया, सामने ही रख दिया मैं। और अभी देखो घर पे भाई साहब कन्या भोज हो रहा है, सब लोग देखो मस्त खा रहे भाई, ये देखो। तो चलो बैठते भाई अभी घर पे, और ना आज है 8, तो अभी होगा भाई घर पे हवन पूजन। अभी चलो अपन हाथ पैर धोते हैं और पूजा पाठ करते हैं भाई लोग, चलो। तो गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 4 और अपना मार्केट जाने का टाइम हो गया है। अभी देखो घर पे हो रही है भाई सब पूजा, देख सकते हो होने वाला है भाई सब स्वाहा स्वाहा, हवन होने वाला है, हवन लास्ट में करते हैं ना स्वाहा स्वाहा। तो मैं तो उस टाइम तक रहूंगा नहीं, अभी अपना मार्केट जाने का टाइम हो गया है, तो अभी फिलहाल चलो निकलते हैं अपन। ये देखो यहाँ सबको करते हैं बाय बाय, और इधर देख सकते हो मेरा गाड़ी जो है रेडी है भाई। भाई सब यही पास के और नंगोई का मार्केट है, और बंधा आलू धनिया मिर्ची अदरक इतना सारा आइटम है, टोटल 1180 रुपये की इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो देखते हैं भाई सब कि इतने में कितना के रिटर्न अपन ले पाते हैं। अभी फिलहाल निकलते हैं और सीधा मार्केट में मिलते हैं आप लोग से। गाइस फाइनली पहुंच गए मार्केट, और अभी देख सकते हो यार मार्केट खाली है पूरा, सब लोग दुकान लगा रहे हैं ये देखो। तो चलो सबसे पहले सामान को अपना उतारते हैं। तो गाइस फाइनली दुकान रेडी है, ये देख सकते हो, और आज मार्केट देख सकते हो भाई, आज का मार्केट यार काफ़ी कम सब्जी दिख रहा है भाई, ऐसा लग रहा है कि ना रेट ज़्यादा था इस वजह से बहुत लोग ना सब्जी खरीदे ही नहीं, और मैंने भी नहीं खरीदा, तो मतलब सब्जी कम ही आया मार्केट में। अच्छा चलेगा मार्केट ऐसा फीलिंग आ रहा है अंदर से, थोड़ा थोड़ा लग रहा है मेरे को। और क्या रेट है एक बार चलो मार्केट घूमते हैं और पता करते हैं कि क्या रेट चल रहा है टमाटर केला वगैरह बैंगन। ये देखो बगल में नानी बैठी है, कहाँ लाए नानी? हाय, काले क्या है? टमाटर केला। केला कैसे रुपए देते हैं केला? 20 रुपए किलो। और टमाटर गोभी मोरेगा? ग्राहक आ गया भाई फाइनली। हाँ अच्छा दे दो, ये दे एक नंबर बंधा। और कुछ दाम धनिया मिर्ची? दस का मिर्ची और 10 का आधा भी देते हैं चाचा श्री को भाई। सब ग्राहक आए थे, चले गए, बंधा खरीदे 2 ठो और अदरक खरीदे 10 का और 10 का मिर्ची, मतलब 40 रुपए का सेलिंग हो गया अपना। और अभी नानी से बात कर रहे थे अपन क्या क्या सब्जी लाए हो करके। तो देखो टमाटर जो है बेच रही भाई सब 20 रुपए का 2.5 किलो, नहीं 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 20 का 1.5 किलो है नानी, 20 रुपए का 1.5 किलो भाई लोकल टमाटर है घर का। और केला जो है 20 रुपए किलो, और बैंगन 20 रुपए किलो है ना, सब जो है घर ही का है इनका भाई साहब, देख सकते हो। एक बार चलो मार्केट घूम के आते हैं भाई, मार्केट में क्या क्या सब्जी है आज और क्या क्या रेट है। कितने रुपए का लाल भाजी? 20 का 6 जोड़ी। 20 का 6 जोड़ी? ओ भाई साहब देखो 10 का 6 वाला भाजी सीधा 20 का 6, महंगाई यार महंगाई बढ़ गया है ना, बढ़ गया रेट बढ़ गया भाई, इसलिए 20 का 6 जोड़ी दिखाओ तो आपका कैसा है यार, देख सकते हैं काफी अच्छा जोड़ी, मोटा मोटा जोड़ी, एक जोड़ी बस को दिखाइए सर, एक जोड़ी बस को, ये देख सकते भाई काफी अच्छी है भाजी जो है। और ये प्याज भाजी 30 रुपए? 30 रुपए किलो। ओ भाई साहब 20 से सीधा 30 रुपए किलो। अभी चलते हैं इस साइड, ये देखो इधर कैसा है आलू, आलू 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो आलू। और टमाटर क्या रेट दे रहे हो? 10 रुपए किलो। 10 रुपए। और बंधा लाए हैं भाई, ये भी देखो, ये देखो बंधा, बंधा कितने रुपए नंग दे रहे हो? 5 रुपए नंग। और ये बैगन
ये बैगन 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो। ये बच्ची क्या बेच रही है भाई? काय दो भाई, पालक भाजी तो रे कतका जोरी पालक भाजी? 10 के 6 जोरी। 10 का 6 जोरी भाई सब पालक देखो। घर के तुम्हार ठीक है। अब ये धनिया 5 रुपए जोरी। 5 रुपए जोरी भाई सब फर धनिया। ये देखो अभी चलते हैं यहाँ से भाई साहब। फाइनली पूरा मार्केट घूम के भी आ गया यार दुकान पे वापस। अभी फिलहाल कोई कस्टमर नहीं है, खाली है। देखते कब तक कस्टमर आते भाई। और लग रहा है कि आनंद भाई का बंधा ना आज अच्छा सेल होगा भाई। देखते हैं अब कैसे कैसे कस्टमर आते भाई। हाँ बंधा वाले बंधा वाले बंधा वाले बंधा 10 रुपए का कोई से भी रख 10 रुपए। हाँ हो जी सीधा साफ टाइप की दाम। चलो एक बंधा बिक गया भाई। 100 रुपए का नोट मिला है। ये लोग 90 रुपए 10 रुपए बिक रहा भाई बंधा। ये बंधा वाले बंधा वाले बंधा वाले लोकल बंधा आ गया। लोकल देसी लोकल देसी आ गया। बंधा 10 बंधा 10 कोई से भी ले 10 रुपए ना। एक नंबर बंधा है मात्र 10 रुपए बंधा 10 में लो बंधा बड़े बड़े बंधा 10 20 के ले। टमाटर घर वाला आलू वाले आलू वाले 3 किलो करो। आए पूजा दास आलू आलू 15 हो गया बंधा 10 में 3 लो। आलू 15 रुपए किलो बंधा 10 में 3 एक ठो के पाँच 10 के 3 बंधा काला चाहिए झोला भरो 10 में 3 एक झोला बंधा 10 में 3 भाई साहब बंधा कुछ स्टार्टिंग में 10 रुपए ढंग बेच रहा था अब 10 के 3 बेच रहा हूँ। देखो 10 में 3 बंधा लेकर लेकर खत्म करो भाई। 10 में 3 बंधा 10 में 3 सब बंधा के 10 माला चाहिए सब बंधा के 10 बंधा खत्म भाई साहब। भाई साहब पूरा अपना खत्म हो गया भाई। देखो आलू पूरा बिक गया बंधा पूरा बिक गया। भले ही बंधा को ना 10 रुपए के 3 और फिर 10 रुपए के 4 भी बेचा भाई तब जाके बंधा खत्म। मिर्ची धनिया भी खत्म पूरा मस्त बिक गया भाई साहब। मजा आ गया ये देख सकते हो कुछ नहीं बचा भाई। और ये देख सकते हो मेरा गल्ला देखो खूब सारे पैसे भरे हैं जिसको घर जाके अपन गिनेंगे भाई साहब। यहाँ मार्केट में नहीं गिनने वाला मैं अभी। चलो उठाते फिर ये सामान को। हाँ यार गाइस फाइनली मार्केट से मैं जो सीधा घर आ गया। तो मार्केट मतलब ठीक ठाक था। बहुत कम सब्जी आया हुआ था क्योंकि सब्जियों का रेट ना बहुत ज्यादा बढ़ गया अचानक से और शादी की वजह से बढ़ गया था क्योंकि कल है रामनवमी और रामनवमी बहुत सारा शादी होने वाला है इसलिए बहुत सारे शादी वाले लोगों ने सब्जियां खरीदी इसलिए रेट जो है थोड़ा सा चढ़ गया था। लेके गए थे 1160 रुपए का वेजिटेबल्स हुआ था अपना पेट्रोल वगैरह सब करके। तो कितने का सेल किए हैं भाई तो ये देख सकते हो। ये है मेरा पर्स और इसमें है पूरे सभी नोट। और ये भाई साहब कुछ कॉइन्स लगभग 20 रुपए के आसपास ज्यादा नहीं है तो इसको कॉइन्स को अभी ऐड नहीं करते इसको रखते हो साइड में। और ये देखो पर्स में इसमें से ना पैसे मैंने निकाले हैं ना इसमें डाले हैं। देखो आप लोग के सामने लाइव गिन रहा भाई। पहले 500 का नोट फिर 200 फिर 100 फिर 50 फिर 20 फिर 10 ठीक 500 700 800 900 1000 1100 1100 रुपए हो गए। और ये 1150 1160 रुपए के लेके गए थे अपन ना तो ये 10 रुपए और भाई साहब तो ये 1160 रुपए अपने मूलधन जितने का वेजिटेबल्स आया 1000 रुपए इसको रखते हैं अलग साइड में। और भाई साहब ये देख सकते हो इतने सारे रुपए है प्रॉफिट। तो भाई ये जो है ना ये केवल बंधा का प्रॉफिट नहीं है क्योंकि आप लोग को लगे कि आनंद भाई से आप बहुत कम में खरीदे करके मार्केट जिस हिसाब से चल रहा था उसी हिसाब से मैंने भी एड किया क्योंकि वो 3 रुपए में ही जाता वहाँ मार्केट में किसी और से भी खरीदता तो 3 रुपए मिल जाता बंधा गोभी। और आनंद भाई आप भी देख रहे होंगे तो आपको भी बता दे रहा हूँ शायद आप देख रहे होंगे तो चलो इसको गिनते हैं भाई सब कि ये है कितने रुपए ताकि प्रॉफिट पता चले। 55 56 मतलब 560 रुपए भाई
ओह माय गॉड 560 रुपए। मैंने मतलब इसे सोचा नहीं था कि 560 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा करके, इतने रुपए करके, मात्र 1100 रुपए की इन्वेस्टमेंट 560 रुपए का प्रॉफिट। और ये केवल बंधा बस की अर्निंग नहीं, तीनों की अर्निंग है, आलू बंधा और धनिया मिर्ची अदरक। और एक चीज ये बताना चाहूंगा भाई लास्ट में कि जैसे मार्केट डाउन रहता है ना, मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन हो जाता है, मार्केट जाने का मन नहीं करता, लेकिन भाई जब जब पूरा सब्जेक्ट बिकता है ना तो और ज्यादा एनर्जी आ जाता है और काम करने में और ज्यादा मोटिवेशन मिल जाता है, क्योंकि मेन मोटिवेशन तो भाई सब पैसा ही होता है, चाहे कोई भी काम रहे उसमें अगर आपको मजे के साथ पैसे मिलने लग जाते ना तो फिर बात ही कुछ और होती है। तो बहुत ज्यादा खुशी भाई। तो यही था गाइस आज का अपना दिनचर्या, इसी के साथ आज के ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, कैसा लगा उसको कमेंट जरूर करना, और चैनल पहली बार आया चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते फिर एक और नए वीडियो साथ में, तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, बाय बाय। अरे घुसना तो है तोर फोतना मत दिखाना होती महाराज को दे ध्यान दे, छोड़ के सब मोरे ध्यान दे यार मोरे कथा सुनने का।